अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सब की दुआओं से। मैं हूँ फैज़ा बलोच और अभी जो है वो दोपहर का टाइम है और मैं यसना खेल रही से आऊँ। यसना अपनी स्कूटी के साथ खेल रही है, वो जितना घूम रही है वो यहीं पर फंसी है, तो मैंने कहा इसको लेके जाऊँ बाहर थोड़ा सा, तो आपके साथ जो है वो शेयर करूँ। जैसे चलो बाहर चलते हैं, चलो। अच्छा एक बात आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि ना उस बार मेरा जो आम का दरख्त है उस बार जो है उसमें केरियाँ लगी थी, इस बार ना केरियाँ नहीं आई हुई। पता नहीं क्यों सबके दरख्त में आई हुई, यानी सबके दरख्त में आई, मेरे दरख्त पे नहीं आई हुई। पर हमारे घर में ये कि जो मेरे जेठानी का जो आम का दरख्त है वो देखिए इतना बड़ा वाला, उस पर भी नहीं आई और मेरे वाले में भी नहीं आई हुई। और ना बाकी हमारे घर में जिन जिन का दरख्त है किसी में लगी है और किसी में नहीं लगी। पता नहीं क्यों इस बार, अगर किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे बताना। और मैं इतना वेट कर रही थी कि इस बार केरियाँ आएंगी, तो मैंने बहुत सारा चार्ट बनाना है, सो पता नहीं वेट ही में कर रही थी वो आई नहीं। तो ये पता नहीं बीमारी की वजह से, कोई मसले की वजह से क्यों नहीं लगा, अल्लाह बेहतर जानता है। और ये बैंगन का पौधा है, इस पर एक ही बैंगन लगा हुआ है। और ये देखिए धनिया, जब अफ्तारी में हमें ज़रूरत होती है तो हम ताज़े ताज़े धनिया जो है यहाँ से तोड़ के जाते हैं अपनी अफ्तारी बनाने के लिए, यानी पकौड़े में डालने के लिए, सालन में डालने के लिए, चावल में डालने के लिए, तो हम यहाँ से लेके जाते हैं। इतने सारे शहतूत का दरख्त भी है, नींबू है, और इस नींबू के तो बिल्कुल पत्ते ही जड़ गए हैं। एक ये रहा और वो बादाम का दरख्त है तबड़ा। चलो अब यसना आगे निकल गई, चलो यसना को देखते हैं। आज मैंने कहा क्यों ना आज आप लोगों के साथ जो है वो अपना बाहर जो है वो दिखाऊं, रोज़ मैं घर ही दिखा रही होती हूँ। खेल रही है और मैं यसना के साथ, जैसे आप खेलो, जैसे यहाँ खेल रही है, मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ। मैं इसको ना अकेले बाहर नहीं छोड़ती कि अभी भी जो है हमारे घर के पास जो है बहुत घेरा घेरे पानी खड़ा हुआ है, तो फिर मैं इनको नहीं छोड़ती क्योंकि बच्चा पानी देख कर पानी की तरफ जाता है। और मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा पहला बच्चा जो है वो क्या कहते हैं पानी में ही गिर के उसका इंतकाल हो गया, तो उसके बाद से मुझे इतना डर लगता है मैं बच्चों को बाहर अकेला नहीं छोड़ती। ये हमारे बाहर के खजूरों का दर, खजूर तो आ गए हैं पर आम नहीं आए। मैं तो आम का ही वेट कर, केलियों का वेट कर रही थी, पता नहीं क्यों नहीं आए। अच्छा मैं पानी दिखाऊँ किस तरफ है, ये यहाँ पे खेल रही है, इसके चाचे के जो है घर है, और पानी इस तरफ है। ये देखें बहुत गहरा, ये देखें इस तरफ जो है गहरा पानी, और यहाँ दीवार भी जो है वो टूट गई है, दीवार यहाँ थी तो टूट गई, तो अब ज़्यादा ही ख़तरा हो गया। इतना सारा पानी देखें, इतना सारा पानी यहाँ पे, तो बस बच्चे ये होते हैं पानी की तरफ, हाथ गंदे हो गए तो चलो पानी की तरफ जाके हाथ धोते हैं, तो फिर यही होता है, ख़तरा है बच्चों के लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो मैं जो है नहीं छोड़ती बच्चों को। एक किस तरफ जो है बाग है, ये बादाम का दरख्त है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो है वो यहाँ बादाम आते हैं, इनका ज़ायका बहुत ज़बरदस्त है, अरबी बादाम शायद कहते हैं इन्हें। खेलो हसना, अब सिर्फ 10-15 मिनट खेलो पे जाऊंगी। एक उस तरफ है, उस तरफ भी दीवार जो है वो टूट गई है, बारिश बहुत तेज़ थी, सैलाब की वजह से जो है वो टूट गई है। ये खजूरों के दरख्त हैं, आप हमेशा मैं आपको अपने घर का अंदर का दिखाती हूँ दिखाती हूँ, आज जो है बाहर निकल तो मैंने कहा क्यों नाबलों के साथ शेयर करूँ। ये पता है ये गोल गोल बने हुए, इनमें ना दरख्त हैं, आम का दरख्त है मेरे ख्याल से तीनों में, और ये देखें जामुन का है, नींबू यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा जो है ना वो नींबू है। इसके अंदर आप जा रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि इसमें जो है ना अमरूद है वो पक गए नहीं आए, कच्चे तो है, खोलो पहले। वैसे आ जाओ, ये अमरूद का दरख्त है, इस पे जो है वो कच्चे तो आए हुए, अब पता नहीं पक्के हैं लगे ही नहीं आए। वो देखे अमरूद दो तो यहाँ लटक रहे हैं। और ये आम है, ये अभी छोटा है, इसकी सिर्फ अभी पत्ते निकल रहे हैं, ये देखिए इतने प्यारे प्यारे। और आगे आए तो आगे भी आपको जो है नींबू मिलेगा। अच्छा इस नींबू के ना पत्तों को पता नहीं क्या हो गया, इतने ख़राब हो गए हैं, किसी किसी के इस बार सीज़न भी है नींबू आए, इनके नींबू नहीं आए, फूल आते हैं फूल झड़ जाते हैं।
और ये देखिए बनाना ट्रीज 5, 6, 7 लगे हुए हैं। ये आम का है, ये छोटे से यहाँ पे ना हम लोग आम खाते हैं और गुठली जो है वो उगाते हैं, तो इससे जो है आम आते हैं। ये देखिए फूल का है और ये भी नींबू का है, अभी तक नींबू नहीं आया पर वो अनार का है। इसे दिखाओ, इसे मत तोड़ो, अरे इसने तुम्हें डांटेगी तो मैं चाचा गुस्सा करेंगे। चलो आ जाओ। और इसके अलावा अच्छे लग रहे हैं देखो माशाल्लाह से, आप रखो अपने पास। चलो ये वाला जो है ना, ये मैंने खुद जो है छोटी सी गुठली नींबू की उगाई थी, इतना बड़ा माशाल्लाह दरख्त हो गया है। और इस बार इसकी देखिए नींबू भी आए हैं माशाल्लाह से, कम ही सही। पहले शुरू में जो है ना फूल उग रहे थे ऐसे, देखो नींबू आए, वो देखो ये देखो आपने देखे हैं, सब निकले ऐसे। और भी हैं और नहीं है, कहाँ दिखाओ, कहाँ दिखाओ, लगते गुम हो गए दरख्त में, पत्तों में नजर ही नहीं आ रहा। आ जाओ और चलें, चलें अब चलते हैं। आइए मैंने आपको भी दिखाया है, अच्छा लग रहा है ना। अमरूद भी जो है ये देखिए, अमरूद भी आए हैं। ये रहा ये रहा मेरा जो अमरूद का दरख्त है ना, उसके अमरूद का तो अंदर से जो है ना वो रेड रेड है, इनका इनका वाइट वाला, मतलब मेरे बहुत मीठे हैं। और ये वाले भी देखिए क्या कहते हैं, चीकू, चीकू भी आए हैं। और ये बादाम भी आए हैं, ये देखिए मुझे सबसे ज़्यादा जो वेट होता है ना वो आम का और बादाम का, मुझे बादाम बहुत ज़्यादा पसंद है। चलते हैं फिर, अब लेट हो रहे हैं। हैं ये चीकू है, चीकू है ये, ये चीकू के फूल भी आए हैं, ये चीकू है। चलो हाँ चलो अब आएंगे ना, हम तोड़ेंगे इसके, तोड़ेंगे। चलो अब चलते हैं, चलो लेट हो रहे हैं। अच्छा आज का व्लॉग यहीं तक, और आप सब ने जो है जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मुझे लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग जो है वो आप तक हर वक्त पहुँचे। लाइक करें, कमेंट करें और मेरे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सबका इतना सारा प्यार देने के लिए। सो अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।